आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का नया नामांकन प्रक्रिया 2021। बहुत सारे छात्रों का एक कमेंट्स आने लगा हमारे व्हाट्सएप मैसेज कॉल्स के माध्यम से, जो आप सभी देखेंगे। जो डाउट है, 9th मेरिट लिस्ट आने के बाद, 8वां मेरिट लिस्ट आने के बाद उनके जो पेमेंट इशू का ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारे छात्रों का है कि प्रोसेड फॉर पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है पैसा जमा नहीं हो रहा है। चलिए उस डाउट को हम बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। आपको सर्च करना है बिहार इन्फो डॉट इन। इस पर आप लोग अपना मेरिट लिस्ट चेक करते हैं। बिहार इन्फो डॉट इन जैसे ही सर्च करेंगे, बिहार इन्फो डॉट इन सर्च करेंगे तो आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे नीचे आने के बाद वीकेसी पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद वीकेसी का जो आपका सेशन है 21 से 24, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट यहाँ से आप लोग सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक जैसे ही करेंगे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे है, 9th मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप कैप्चा को फिलअप करेंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डेस्कटॉप है ओपन हो चुका है। व्यू मेरिट स्टेटस में जब आप जाएंगे, व्यू मेरिट स्टेटस पे आप जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं कि प्रोसेड फॉर पेमेंट, पेमेंट स्लिप, ऑफर लेटर का ये ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है बता दे कि इसका मतलब नो सीट ये क्यों दे रहा है। ये मान लें कि जूलॉजी ऑनर्स में डीके कॉलेज, जो आप देख रहे हैं डीके कॉलेज में आपका जूलॉजी ऑनर्स जो है इसका सीट फुल हो चुका है जो आप डाले हैं, इसलिए इसका नो सीट यहाँ पे दिखा रहा है। अब हो सके तो इनके जूलॉजी के ऑनर्स के अनुसार यदि एमबी कॉलेज में सीट खाली रहा तो नेक्स्ट लिस्ट, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सीट देखिए रहता है। आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन को लेकर, तो स्पॉट एडमिशन कब होता है ये आपको वीडियो में, हर एक वीडियो में बताया जाता है। स्पॉट एडमिशन जब ही स्टार्ट होता है कि एमबी कॉलेज में एक दो सीट बाकी हो गया, डीके कॉलेज में एक सीट बाकी हो गया, एमसी कॉलेज में दो एक सीट बाकी हो गया, तभी स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होता है। लेकिन हर जगह 50-60 सीट खाली रहेगा तो विश्वविद्यालय 10 या 15 लिस्ट भी जारी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब लिस्ट में नाम आया है, छात्र देख नहीं पा रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम आकर चला जा रहा है, नामांकन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि नो सीट है इनका। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि पहले से लिस्ट में नाम आया था। इसमें एक ही डाउट है कि जूलॉजी ऑनर्स से डीके कॉलेज में सीट फुल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रोसीड फॉर पेमेंट दिखा रहे ऑप्शन। इससे कोई घबराने वाली बात है, इनका जूलॉजी ऑनर्स डीके कॉलेज में नाम नहीं आएगा। अब इनका मार्क्स ठीक रहा तो एमबी कॉलेज में, एमसी कॉलेज में आ सकता है, वो भी सीट खाली रहेगा तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में। इसमें कोई दबाव अभी भी नहीं बता सकते हैं आपको कि 11वां मेरिट लिस्ट, 10वां मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। सीट खाली रहा तो आएगा, यदि सीट खाली नहीं रहा, एक जो जो सीट रहेगा, एक दो सीट जो रहता है, जैसे कि आप सभी कट ऑफ लिस्ट भी देखेंगे यहाँ पे आएंगे, जब आप लोग लिस्ट में जैसे ही यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अभी से यहाँ पे 9th कर देते हैं, बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप वीकेसी में कर देंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद उसी लिस्ट में आपको आ जाना है नीचे। जैसे आप मेरिट लिस्ट देखे थे, आपको कटअप में आ जाना है। कटअप में आने के बाद कटअप में भी आप देख रहे होंगे कि आपके कटअप के अनुसार बहुत सारे कॉलेज के आगे सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे 0-0 देखने को आपको देखने को मिल रहा है, कि 0-0 वहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है। तो इस ये भी डाउट जो है आपको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे ही कटअप लिस्ट पे करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद जो आपका कटअप लिस्ट डाउनलोड होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए, अब जूम करते हैं इसको, इसको हम क्या करते हैं, नीचे से जूम करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे, आप जूम करने का मतलब यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं। देखिए एम जो डीके कॉलेज था, डीके कॉलेज में आप यहाँ पे आएंगे जूलॉजी ऑनर्स में तो आपको 0 दिखाई देगा। 0 क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उनका जो सीट है फुल हो चुका है। फुल होने के कारण यहाँ पे डीके कॉलेज देख सकते हैं, डीके कॉलेज यहाँ पे है, बोटनी जूलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी लिस्ट है यहाँ पे 0 दिख रहा है, सामने 0 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, बोटनी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो 0 हो गया है तो ये सीट फुल हो चुका है। आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए या आप स्पॉट एडमिशन का इंतजार कीजिए। स्पॉट एडमिशन में थोड़ा सा नामांकन होगा, बहुत सारे छात्रों का नामांकन नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में सीट बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। जो जल्दी तैयार रहता है उनका नामांकन हो जाता है, जो जल्दी रेडी नहीं रहता है उनका नामांकन नहीं हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।